खुदा की आशीषें कभी कम नहीं होती और इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। मनुष्य को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। स्वार्थ भावना का त्याग करो। जैसा व्यवहार आप उन लोगों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार उनके साथ करो। कल के बारे में चिंता मत करो, कल को अपने लिए चिंतित होने दो। हर दिन की परेशानी उस दिन के लिए पर्याप्त होती है। मनुष्य को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए हर शब्द के मुताबिक जीना चाहिए। भला उस आदमी को क्या लाभ जो पूरी दुनिया पा जाए और अपनी आत्मा खोने की पीड़ा सहे। हर कोई जो स्वयं की प्रशंसा करता है उसे विनम्र किया जाएगा, और जो स्वयं को विनम्र करता है उसकी प्रशंसा होगी। तुम एकदम सही होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेच दो और गरीबों में दान कर दो, फिर तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित लगे रहो। हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही ईश्वर भी तुम्हें शांति देगा। नेक लोगों की संगत में हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। अपनी सारी चिंता ईश्वर पर डाल दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारा ध्यान है। जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। प्रेम से रहो, जरा सी बात पर उठा नहीं करते। पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो शाख से टूटा नहीं करते। सत्यवादी मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। धन है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है।